हाँ जी, वेलकम टू अ चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इतनी बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ ना, जिससे आपकी लाइफ और आपके बच्चों की लाइफ बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। उस तू एक मिनट बैठ जाए यार, दो मिनट। हाँ, सो दोस्तों, पेट पेरेंट होने का ना सबसे बड़ा एक जो इशू आता है सारे के सारे पेट पेरेंट्स को, कि कभी ना उनके डॉग का, उनके पेट्स का पेट खराब होता है। पेट खराब होता है, फिर उनको डायरिया हो जाता है, जैसे कि वॉमिटिंग होने लगती है, और वो खाना छोड़ देते हैं, जिसको हम एक तरह से लेमन टर्म पे गैस्ट्रो भी बोलते हैं। बेसिकली प्रकृति ने एक समझ दी होती है डॉग को, नेचर ने, कि जब भी इनके पेट में प्रॉब्लम होती है खाना छोड़ देते हैं। अगर आपके पेट में प्रॉब्लम है, अगर आप खाना छोड़ दो तो आपका पेट ऑटोमेटिकली खुद को हील करता है। अब वैसे टाइम में आपने डॉग को खाना नहीं खिलाना होता है, राइट? अगर आप डॉग को उस टाइम पे खाना खिलाएंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। पर ऐसे टाइम पे आप उसे ऐसी चीज़ें दे सकते हो जिसमें प्रोबायोटिक्स हों। आपने सुना होगा, डॉक्टर ने आपको बोला होगा, राइट? अगर बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो प्रोबायोटिक्स हमारे पेट के अंदर के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने आप को फिक्स करने में, अपने आप को ठीक करने में, राइट? अब प्रोबायोटिक किस चीज़ों में होते हैं? दही, मट्ठा, छाछ, इन चीज़ों में प्रोबायोटिक्स होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो ऐसे में आप उसको दही, मट्ठा, छाछ कैसे खिलाओगे? समझ रहा मेरी बात को? तो इसका एक रामबाण इलाज है मेरे पास, दिखाता हूँ। ये देख क्या है? दोस्तों, ये है वो चीज़। दोस्तों, इसको कहते हैं एंटेरो जर्मिना वाइल। दोस्तों, मेरा बड़ा काटा हो गया है। मैंने एक्चुअली वीडियो बनाया तो उसमें कोई ऑडियो ही नहीं थी। खैर, दोबारा से आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये है एंटेरो जर्मिना, और जिस प्लास्टिक की बॉटल में आता है तो उसे वाइल बोलते हैं। ये दोस्तों, ये जो शीशी आप देख रहे हैं, इस पूरी शीशी में प्रोबायोटिक्स भरे हुए हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ ये करता क्या है। बेसिकली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें बैक्टीरियाज होते हैं अलग अलग। कुछ अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि खाने को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं, और कुछ बुरे बैक्टीरिया पनप जाते हैं। जब बुरे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है तो अच्छे बैक्टीरिया को वो कम कर देता है और हमारे पेट में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, राइट? प्रोबायोटिक्स क्या करता है कि हमारे अच्छे बैक्टीरियाज को सपोर्ट करता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्ट्रांग बनाता है, और वो जो बुरे बैक्टीरियाज हैं उनको धीरे धीरे किल करके ख़त्म कर देता है, ताकि आपकी या आपके डॉग की जो बॉडी है, ये बेसिकली दोनों के लिए, इंसानों के लिए, कुत्तों दोनों के लिए, कि उनका जो पेट है एकदम फिट हो जाए। ये जो चीज़ है दोस्तों, ये सिर्फ 50 रुपये की आती है, और इसको पिलाना कितना आसान है। इसकी ये जो हेड है, इसको कड़क करके टूट जाता है, डॉग का मुँह खोलो, अंदर डाल दो। सबसे अच्छी चीज़ इसकी क्या पता है? सबसे अच्छी चीज़ ये टेस्टलेस है। तो ना तो आपके डॉग को कुछ गंदा सा लगेगा, कुछ उसको ऐसे लगेगा जैसे आप पानी पिला रहे हो, तो आराम से पी लेगा। मतलब मेरे ख्याल से 90% डॉग्स तो इसको बहुत ही प्यार मोहब्बत से पी जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। या आप उनके खाने में भी ये चीज़ डाल सकते हो, पानी में भी ये चीज़ मिला सकते हो, एनी विच वेज पेट के अंदर ये चीज़ जानी है। तो दोस्तों, आज के बाद कभी भी आपके डॉग को अगर वो खाना ना खाए, वो उल्टी दस्त कुछ हो जाए, कुछ भी इस तरह का इशू हो, सबसे पहले केमिस्ट शॉप पर जाओ, ये खरीद के लाओ और अपने डॉग को ये दे दो। और इसको देने के बाद आप देखना कितना ड्रास्टिकली उसकी मैक्सिमम टाइम्स उसका पेट इससे ठीक हो जाएगा। उसके पेट के अंदर की जो भी प्रॉब्लम होगी गैस्ट्रो रिलेटेड, इससे वो ठीक हो जाएगी। खैर, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद एक अपडेट आपको ये देना है कि कल मैं अपने एक बचपन के दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, तो यहाँ से हल्द्वानी जा रहा हूँ, यानी कि 7-8 घंटे का सफ़र है, प्लस मेरे कुछ काम भी हैं, तो 3-4 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, बच्चों को यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। सो थोड़ा मन तो नहीं हो रहा है, पर अब क्या करूँ, मैक्स को ट्रैवल कराना अननेसेसरी कोई पॉइंट नहीं है। वहाँ शादी वाग में शोर शराबा होगा, किसी ने पटाखे फोड़ दिए तो वैसे ही वो बेचारा घबरा जाएगा, तो बेहतर है कि वो घर पे रहे। मैं इस बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज यानी टुडे जब वीडियो शूट हो रहा है, यानी कि संडे, आज हम गए थे चिंटू को लेके हाइक पे, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। चिंटू की पहली हाइक थी, मैंने पूरा वीडियो भी शूट किया है, तो शादी से आके वीडियो एडिट करके वो वीडियो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, बहुत ही मज़ेदार है। एंड ये वीडियो शायद आज आप वेंसडे या ट्यूसडे को देख रहे होंगे, तो जो भी है अब संडे को अगला वीडियो आएगा, चिंटू की पहली हाइक। बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद एक चीज़ आपको बताता हूँ कि लगभग 1 साल पहले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने एक गाना लिखा था मैक्स गोस्ट की जर्नी के ऊपर, तो बड़ा अच्छा सा गाना है, एंड मैं आप लोगों से शेयर करना ही भूल गया यार। वो मुझे आज सुबह ध्यान आया, तो मैंने सोचा यार आप लोगों को मैंने सुनाया नहीं गाना, तो बहुत ही प्यारा लिखा है, अच्छा सा गाना है, बहुत क्यूट सा, तो वो गाना इस वीडियो के एंड में आप देखिएगा। एंड भाई को भी थोड़ा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा भाई के चैनल पे, एंड उस वाले वीडियो पे भी प्यार दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए,
एंड अगर हो सके तो इसे शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वो बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। एंड ऑन दिस नोट, द हिमालयनस की ओवर एंड आउट। सुबह निकलती है यहाँ हिमालया की गोद में, होते ऐसे नज़ारे जैसे जन्नत की सैर कर, पहाड़ियों के बीच में सुकून सा मिला है उन लोगों को जो बसे है जिस शहर में, वो है पिथौरागढ़। महसूस कर ले तू भी ये नज़ारे जो मेरे भाई दिव्य खत्री ने निकाले, हर तरफ सुकून मन को शांति के साथ, पीस आउट होके यहाँ के स्नोफॉल में नहाले नहाले, हाँ दिन रात अपने काम में निकाले, बॉस की खा के डांट फिर अपने काम को संभाले, रोज रोज की ये धक्के मुक्के वाली जिंदगी से हटकर कुछ पल खुद पे भी लुटा दे, दो पल के लिए तू खुद में ही खो जा, सब कुछ छोड़ छाड़ गहरी नींद को तू सो जा, सपने में जो चाहे पाके पहाड़ों पे जाके कर ले मैक्सी और घो संग मौज हर रोज। हाँ पिथौरागढ़ की ये कहानी है, ये एक तो दोस्ती की, एक है लेब्रा मैक्स और दूसरा हस्की घोस्टी की, दोनों बेजुबान मस्ती में पूरे शैतान की, कहानी को दिखाया द हिमालयन हस्की की, चैनल पे तू आके देख जरा इनका सफर, इनकी मौज है और हम रोज करते सफर, जो दिखाए इन नजारों को देखकर दिल भी बोले तू भी पहली फुर्सत में निकल, फिर चले पंचा चूली से धार चूला, दुक्तू से नैनीताल धर्मावेली से खुलिया, टॉप से मुंशियारी के लेक पे तो कभी पहुंचे मिस्टीरियस लेक पे, वहां चढ़ने के लिए पकड़ी घोष्टी की लिस्टो, पानी में जाके मैक्सी बन जाए फिश, दोनों बच्चों का सफर और मस्ती जारी है, अपनी मासूमियत से देखो जीती दुनिया सारी है। हाँ हर बातों को मेरी कहानियां मेरे जज्बातों को अल्फाजों से सुनाया है मैंने, हर बातों को मेरी कहानियां मेरे जज्बातों को अल्फाजों से सुनाया है मैंने।